उनके लिए जानना जरूरी है। तो जब कुछ लिखने से अपना लोग अपना अधिकार पूरा लिखने से बाकी जो वास्तव में धरती पर लागू हीरे के धरातल पर लागू नहीं होते तो कहाँ नहीं लागू होते। ताकि आजकल जो अपने सुन रहा है ये कारण से अपना अधिकार में लागू है। ये जल जंगल जमीन अमृत है बाकी वास्तव में ये जल जंगल अमृत है कहीं अपने एक एक कभी अपने एक आज कहीं नोट कार्ड दो आधी चलेगी अभी तक ये तेहली नवाड़न कहीं को तेरा साला आड़ा बुढ़ा कौते ही है कहीं को तेरा उधार में आई लगा ना अपने धर्षण पड़े तो कहा चिता उंगली छे कुनो आइन को तुम्हें कहे पट्टा आपसु ते पट्टा कहे का कुने ना आपसु तुम ऐसा अमरत छे अरे अमरत अधिकार अमरत जल जंगल ने अमरत कहे आपसु कह रहा कि तुम्हें कहाँ को ताला होना भाई समझना पड़ से अपने काजे विचार करना पड़ से अपना आड़ा बुढ़ा अपने लेते अतरा अधिकार लिखन गयो बाबा साहब जो दलितों के मसीहा कहे जाए कि जो चार चार बच्चे अपना कुर्बान कर दे तू केवल कुनें दे दे अपने ले दे न उस संविधान लिखन गयो के तेरे कारण से आज अपनो या एक मंच पर घुलने ने माइक रखने ने एक पेन रखने ने ये एक जोड़ी कपड़ा पहनने का अधिकार बाबा साहब अधिकार आप इन गुया मुका दे ऐसी पहले अपनों का जो अधिकार नहीं होते लोग अपनों कपड़ा भी पहन ले जे मंच पर घूम सके या ऐसी सभा कर सके। बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर 1875 में उन्हीं हत्या में हुआ था या थोड़ा सा मंच का दो उन्होंने 12 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया था। 12 साल की उम्र में बिना कहते कई आज का जमाने में कोई कई मालूम नहीं रहा कि समाज का ही समाज ने स्थिति देखियो कि हमारा समय समाज का जो व्यक्ति कहाँ सारी अंग्रेज को सा अत्याचार कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में घर बार छोड़े केवल कहीं ले जाते हुए लड़ाई लड़ने कि हमारा अधिकार अधिकार है हम लड़ाई लड़ सो अधिकार लड़ते लड़ते आखिरी में 25 साल की उम्र में शहीद हुई थे आमरण लगे ये अधिकार आज अपनों का जो थी ना आप इन गई हो तो सुख नहीं जाएगी कि अपनों का जो कुल आप क्या थे अपना महापुरुष शहीद हो गया थे एक ने कहीं लाखों महापुरुष या खुद तिंद्रे बाराम दुई लाइन लिख ली थे अरे जो आंदोलन ने कहता है तेरी पूरी किताब छाप जाता जो अपने अधिकार लगे पूरा जन घुर्बान कर देगा तेरे एक एक लाइन में लिख लिया है ये जातिवाद आज सुनी ये जातिवाद आधा घंटे से पहले से लड़ी जाएगी। तो साथियों समझना पड़ेगा अपने को सबसे पहले बात अपनों का जो शिक्षित बनना पड़ते बाबा साहब कहें शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो जब तक शिक्षित नहीं रहो तब तक अपने संगठित नहीं आ सकते तो जब तक संगठित नहीं हो जब तक संघर्ष नहीं कर सकते क्योंकि एक ऋतु कम खाओ बाकी अपना पीड़ा पर नावने और पीड़ित का जो फणा के जरूर रह एक ऐसे व्यक्ति हो तो लो कि जो कभी छह साल में तुम स्कूल में गए फिर का जो बाहर चला आज उसको बता रहे कि आज के धमले धमले लोग कहते हैं नहीं स्कूल गए थे चलने दो।